Good morning, dear students. Welcome you all in today's class. See, yesterday we have seen the lesson number 2, the shooting test. Okay, the shooting test we have saw the 2-3 warm-up questions. Okay, about the bow and arrows. Okay, so they are talking about the ancient period. In the ancient period, they are talking about like the bows, arrows, knife. उस जमाने की जो बंदूकें रहती थी दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज विच ऑफ द वन इज अ एंशियंट पीरियड इन दिस पेज नंबर 14 दे हैव फोर पिक्चर्स वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द आंसर्स ओके सो आफ्टर दैट वी हैव सीन द क्वेश्चंस एंड एज ऑल्सो द teachers old that time means ancient times of teachers and student who was the teacher who matlab kaun se teacher the and unke students kaun the to humne padha tha ki it's a dronacharya the teacher who had unke jo students the like pandavas hai na like this so we will see the page number 50 let's read the chapter Let's see what is in that. See, there is a conversation. There is a conversation in this lesson about teachers and students. Who is a teacher? Sorry, who is a teacher? Teacher name is a Dronacharya. And other ones is like, जो भी पांडवास के नाम हैं, वो क्या हैं उनके? उनके students हैं. तो so it is a conversation. The teachers and students. They went in a jungle. कहाँ पे कहते हैं वो जंगल में तो वहां पे मतलब एक जगह है वहां पे he just taught to their students how to fight, how to क्या बोलते हैं उसको किस प्रकार से we have to make the bow, किस प्रकार से हमको उसको चलाना है ये वो सारी चीजें का वहां पे conversation है okay? So I will be Dronacharya. It's a teacher. Dronacharya. I have taught you to use weapons to shoot with the bow, to ride horses and to drive them, to work hard and to fight well. Dronacharya जो है वो अपने अपने students से मतलब like Bhim है, Nakul है, Sahadev है. Already we have seen in the page number 14. यहाँ पे दिया है द टीचर ऑफ द पांडवास एंड द कौरवास कौरवास ये जो है ये टीचर्स है किसके द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य टीचर्स और बाकी के क्या है ये उनके स्टूडेंट्स है ओके सो द्रोणाचार्य जी हु वाज अ टीचर एंड इन एंशियंट टाइम तो वो द्रोणाचार्य जी बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आई हैव टॉट यू टू यूज वेपन्स टू शूट विद अ बो वो क्या बोल रहे हैं मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि वेपन्स मतलब शस्त्र से किस तरह से धनुष्यबाण चलाते हैं आर यू गेटिंग माय पॉइंट सी टीचर्स क्या बोल रहे हैं द्रोणाचार्य क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको वेपन्स का मतलब शस्त्र का किस प्रकार से उसका यूज करते हैं विद द बो मतलब धनुष्य का किस प्रकार से यूज करते टू राइड हॉर्सेस मीन्स क्या होता है घोड़े की सवारी ओके घोड़े की सवारी मतलब क्या क्या हम वो पढ़ाने वाले हैं हाउ टू यूज वेपन टू शूट किस प्रकार से हमको शस्त्र मतलब रेनबोट को हमको शूट करना है मतलब तीर छोड़ना है उसके बाद टू राइड हॉर्सेस किस प्रकार से हमको घोड़े की सवारी करना है बिकॉज फर्स्टली सी यू आर अ फोर्थ स्टैंडर्ड बट यू डोंट नो अबाउट द एनी वर्ड एनी ग्रामर पोर्शन so you have to meet your teacher who has known about that particular subject understood so that time they are only oral it's not a lekhi bol jo bolte it's not a written that time exam they are only orally okay orally bol sakte hain unke jo the aur wo jo bhi shastra kriya the wo chalate the is prakar se unki exams hoti thi ab hamare yahan pe kaisa hai Nowadays we have to write it. It's a written form, oral form. Okay. तो उस जमा
गाने में जो शस्त्र किया है, जो सॉन्ग्स है, हाउ टू सिंग, उनके जो अलग अलग प्रकार के रहते थे नर्तकी डांस, ये सब फॉर्म रहते थे. ओके, तो उस टाइम में द्रोणाचार्य ने बोला था कि अपने स्टूडेंट को मैं तुमको क्या क्या सिखाऊंगा, किस प्रकार से तुमको वेपन शस्त्र का यूज करना है, उसके बाद राइड टू हॉर्सेस मतलब किस प्रकार की घोड़े की सवारी करनी, एंड टू ड्राइव देम और किस प्रकार से तुमको चलाना है, राइड टू हॉर्सेस एंड टू वर्क हार्ड एंड फाइट वेल. ये सारी चीजें आप सीख कर क्या होगे, वर्क हार्ड करोगे तभी आप अच्छे से लड़ पाओगे. सी इफ आई विल गिव यू एग्जाम, जैसे यस्टरडे वी सॉ द व्हाट इज योर फेवरेट एनी कलर. ओके सो आई टोल्ड यू आई हैव गिवन यू सो मेनी कलर्स. ओके, रेड पिंक, बट पर्टिकुलर जब तक आपको रेड पिंक कलर के नाम ही नहीं पता होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द कलर्स. यू हैव टू नो फर्स्टली कि कलर्स मीन्स क्या है, रंग मीन्स क्या है, अंडरस्टूड. सो उसी प्रकार से द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि अगर इन सब चीजों में घोड़े की सवारी किस प्रकार से तुमको शस्त्र क्रिया यूज करना है, दीज ऑल आर द यू हैव टू हार्ड वर्क. कोई भी चीज अगर यू हैव टू लर्न, इट्स नॉट क्विकली, इट्स अ हार्डर है ना, हमको वर्क हार्ड करना पड़ता है. आफ्टर दैट वी प्रॉम्प्ट, मतलब हम अच्छे से करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. ओके, उसके बाद भीम बोलते हैं, गुरु जी यू हैव टॉट मी टू यूज अ क्लब टू, आई कैन फाइट विद एनी मैन नाउ. तो भीम जो उनके द्रोणाचार्य के क्या थे, एक स्टूडेंट में से, एक विद्यार्थी में से, वो भी विद्यार्थी, हिज नेम वॉज भीम. ही सेड टू द्रोणाचार्य, गुरुजी यू हैव टॉट मी, आप मुझे भी पढ़ाओ कि किस प्रकार से यूज क्लब को, मतलब ये क्लब जो है कैसे यूज कर सकता हूं, ताकि मैं भी जो मेरे एनिमीज है, जो दुश्मन से, जो भी लोग है, द स्ट्रेंजर वन, आई कैन फाइट वेल, मैं उनके साथ लड़ सकता हूँ. ये है द्रोणाचार्य भीम की, इनकी मतलब कन्वर्सेशन बोलना. उसके बाद द्रोणाचार्य बोलते हैं, आई एम श्योर यू कैन, मुझे मतलब आई एम 100% श्योर, मुझे खात्री है, मतलब रहेगी नहीं, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो. यू कैन, ईच वन ऑफ यू कैन फाइट विथ एनी मैन, नॉट ओनली यू भीमा, नॉट ओनली यू भीम, यू ऑल ऑफ देम यू हैव फाइट. ओके, यू हैव फाइट विद अ मैन, मतलब यू ऑल ऑफ यू, मतलब कौन कौन है वहां पे, सहदेव है, नकुल है, ओके, और युधिष्ठिर है, सबको बोला है, ना कि भीम को. भीम तू तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कोई भी मेरे स्टूडेंट्स है, यहाँ जो कोई भी वो जो पांडवास के पाचों है, आप भी कर सकते हो. ओके, देन नकुल बोलते हैं, गुरु जी वोंट यू टीच अस एनी मोर, गुरु जी आप हमें और नहीं सिखाओगे, एस्केप द हॉर्स राइडिंग, ड्राइविंग एंड हाउ टू शूट द बो, इसके व्यतिरिक्त भी आप हमको कुछ पढ़ा सकते हो क्या. He asked his teacher, who was his teacher, it's a Dronacharya, who asked, Nakul asked to Dronacharya, understood, Dronacharya, bracket me can smile, वो हंसते हुए बोलते हैं, I will get you more information, I will get you more, मतलब मैं और आपको सिखाऊंगा, okay, I will more teach you. वो हंस के बोलते हैं, हाँ मैं पढ़ाऊंगा, डोंट बी सैड माई बॉय, परेशान मत हो, चिंता मत करो, इसके व्यतिरिक्त भी मैं आपको और सारी चीजें बताऊंगा, सिखाऊंगा. टुडे आई वॉन्ट टू गिव यू अ टेस्ट, आज मैं आपकी तुम्हारी क्या लूंगा, एक परीक्षा लूंगा. ऐसे कौन बोलते हैं, द्रोणाचार्य सभी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि टुडे आई वॉन्ट टू गिव, मैं आपको टेस्ट देना चाहता हूँ. सहदेव बोलते हैं, इट इज डिफिकल्ट टेस्ट गुरु जी, सहदेव बोलते हैं, सर मतलब गुरुजी ये कोई मतलब बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब बहुत बड़ी तो ये नहीं है, मतलब टेस्ट तो नहीं है, या इजी है. तो द्रोणाचार्य बोलते नो, इट इजंट डिफिकल्ट, इट्स इजी. तो द्रोणाचार्य जी बोलते हैं, नहीं, ये जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सरल और इजी वन है. ओके, देन मतलब नकुल इट्स ऑल्सो हैज गिवन स्माइल टू आस्क, मतलब वो हैप्पीली ही पूछता है उनको. उसके बाद द्रोणाचार्य बोलते हैं, नो इज अ डिफिकल्ट, इट इज इजी, कि वही
इट इज नॉट अ हार्ड वन, इट्स वेरी इजी, यू कैन ऑल द हैव गिवन अ टेस्ट, ओके, वेरी इजीली. द्रोणाचार्य बोलते आई डोंट नो दैट बट आई विल टेस्ट ऑल ऑफ यू. वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, वो तो मुझे पता नहीं, एक सेकंड एक सेकंड. द्रोणाचार्य के बाद नकुल एकदम खुशी से बोलता है देन ऑल ऑफ अस विल पास. तो बोलते हैं क्या, आप तो हमें यू हैव गिवन अस अ वेरी इजी टास्क, सो ऑब्वियसली वी पास, वी ऑल ऑफ अस पास. मतलब हम आप इफ यू आर गिवन अस, अगर आप हमको क्या दे रहे हैं, सॉरी इफ यू विल गिव अ इजी एग्जाम, अगर आप हमको इजी एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट अ गुड मार्क्स. हमको हम तो अच्छे ही मार्क्स लेंगे एज वेल एज हम अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे. तो द्रोणाचार्य बोलते हैं देखो आई डोंट नो दैट बट आई विल टेस्ट ऑल ऑफ यू. मतलब वो तो मुझे नहीं पता कि कौन पास होगा और कौन नहीं, बट ये जो टेस्ट है ये सभी के लिए है. भीम बोलते हैं व्हाट इज टेस्ट गुरुजी. भीम बोलते हैं कि सर मतलब गुरुजी व्हाट इज द टेस्ट, व्हाट वॉज इन दैट, क्या होगा उसमें, क्या था उसमें, टेस्ट में क्या था, ठीक है, सॉरी देन आई डोंट नो, एक सेकंड. भीम व्हाट इज टेस्ट गुरुजी, टेस्ट क्या है, टेस्ट में क्या होगा. तो भीम बोलता है, द्रोणाचार्य बोलता है पॉइंटिंग टू द ट्री. मतलब वो सी दे ऑल वेयर इन अ जंगल, तो वो द्रोणाचार्य जी एक पॉइंट करते हैं ट्री के ऊपर है. मतलब पॉइंट करना मतलब एक ट्री को उंगली से दिखाना. वो पॉइंट करके बोलते हैं देयर इज अ बर्ड इन दैट ट्री, यू हैव टू शूट इन द राइट आई, कैन यू डू इट. तो जब भीम बोलते हैं कि टेस्ट क्या है, तब द्रोणाचार्य जी द्रोणाचार्य क्या करते हैं, एक झाड़ को, एक पेड़ को क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, आपको उसकी राइट आंख, राइट आई को शूट करना है, क्या तुम ये कर सकते हो. ऐसा कौन बोलते हैं, द्रोणाचार्य इज आस्क्ड अबाउट, आस्क्ड ऑल द स्टूडेंट्स, ओके. देन ऑल बोलते हैं यस वी कैन गुरुजी. तो बाकी के जो सभी स्टूडेंट्स हैं, बाकी के सभी उनके शिष्य बोलते हैं कि हाँ हाँ हम ये कर सकते हैं, ओके. उसके बाद द्रोणाचार्य वेरी वेल, युधिष्ठिर गेट रेडी, व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी व्हाट आर यू गोइंग टू डू. फिर द्रोणाचार्य बोलते हैं कि वेरी वेल युधिष्ठिर गेट रेडी, बोलते हैं कि आप रेडी हो जाओ और अभी आप क्या कर रहे हो, यू जस्ट गोइंग टू डू, ओके. सो उसके बाद वो बोलता है इट इज वो हो गया वेरी वेल युधिष्ठिर गेट रेडी व्हाट आर यू डू गोइंग टू डू. तो द्रोणाचार्य जी किसको बोलते हैं, युधिष्ठिर को बोलते हैं ठीक है तो आप सभी लोग क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ और व्हाट आर यू गोइंग टू डू, और हमको क्या करना है. ऐसे कौन बोलते हैं, द्रोणाचार्य. फिर युधिष्ठिर बोलता है आई एम गोइंग टू शूट द बर्ड गुरुजी. तो सारे स्टूडेंट में से युधिष्ठिर विल गो टू फर्स्ट टू शूट दैट बर्ड हु सैट ऑन अ ट्री, ओके, सैट ऑन अ ट्री. वो किसको शूट करने वाला है, वो सैट ऑन अ ट्री बर्ड इज अ राइट आई टू शूट, ओके. सो द्रोणाचार्य बोलते हैं व्हाट डू यू सी, द्रोणाचार्य बोलते हैं युधिष्ठिर से तो तुम क्या देख सकते हो, मतलब तुमको क्या दिखाई दे रहा है. युधिष्ठिर बोलते हैं गुरुजी आई सी यू, आई सी माय ब्रदर्स, आई सी दोस ट्रीज एंड आई सी द बर्ड्स ऑन दैट ट्री. तो युधिष्ठिर बोलते देखो गुरुजी मैं आपको भी देख सकता हूँ, जो बाकी के मेरे पांडवास मतलब जो भीम है, नकुल है, सहदेव, सभी को मैं देख सकता हूँ उसके बाद, और जो साथ में जो बर्ड है वो बैठा है उसको भी मैं देख सकता हूँ. तो द्रोणाचार्य बोलता है थैंक यू, यू कांट शूट द बर्ड, डोंट ट्राई हिम, इट इज यूअर टर्न नाउ, ओके, पुट अ एरो ऑन यूअर बो. तो द्रोणाचार्य जी बोलता है ठीक है धन्यवाद, थैंक यू, अब तुम शूट नहीं कर सकते, ओके, और ट्राई भी मत करना. तो बोलते भीम, उसके बाद किसका आता है, भीम, इट्स नाउ इट्स योर टर्न, बोलते हैं कि भीम अभी आपकी पारी है, ओके. उसके बाद बोलते हैं भीम बोलता है गुरुजी आई एम रेडी गुरुजी, मैं बिल्कुल शूट के लिए तैयार हूँ. द्रोणाचार्य बोलते व्हाट डू यू सी, अगेन ही आस्क वन बाय वन सेम क्वेश्चन की व्हाट डू यू सी. इफ ही सी द सेम एंड ही जस्ट रिग्रेट, सॉरी मतलब वो मना कर देगा, ही जस्ट डिनाइड. भीम आई एम रेडी गुरुजी, तो अगेन ही आस्क टू भीमा कि व्हाट डू यू सी, आप क्या देख सकते हो. तो वो बोल रहे कि मैं भीम बोल रहे हैं आई सी ट्री, सेम आई सी
आई सी अ ट्री ब्लू स्काई बिहाइंड द बर्ड वन द ब्रांचेस ऑन द ट्री, वो बोलते कि मैं ट्री देख सकता हूँ, उसमें ब्लू स्काई भी देख सकता हूँ और बाजू में ही एक झाड़ पेड़ है, उसमें एक चिड़िया बैठी है। तो ध्रुजा बोलते थैंक यू, डोंट शूट, नकुल गेट रेडी। अगेन ही सेम रिप्लाई टू द भीम लाइक युधिष्ठिर, वो बोलते कि तुम ट्राई मत करो, अब तुम नहीं शूट कर सकते हो। तो बोलते नकुल को, नकुल यू जस्ट रेडी। ओके सो दिस इज इट्स अ हाफ पोर्शन, आफ्टर पोर्शन वी विल सी टुमारो। ओके सो यू जस्ट रीड आउट एंड यू हैव टू, you just underline the meaning next period and you can ask in a group also. Okay, so see you soon.